अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन नया चैप्टर है। आप लोग शुरू से ठीक से ध्यान दीजिएगा और इसको कंप्लीट करते जाइएगा, है ना, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए शुरू किया जाए। इवोल्यूशन टर्म देखिए पहले, इवोल्यूशन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना ही इवोल्यूशन है। ये ई टर्म जो है ना, इसका मतलब होता है आउट और वॉल्वेयर मीन्स टू रोल, लुढ़कना, ठीक है ना, आगे बढ़ना, ये हो गया इवोल्यूशन। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का क्या मतलब होगा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक टर्म बायोलॉजी में कहीं भी आओ ना तो लिविंग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इट इज चेंज इन लिविंग बींग्स फ्रॉम सिंपलर फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सिंपल फॉर्म से, जैसे अमीबा सिंपल फॉर्म में, हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, तो सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना, किसी जीव का, किसी जीवों का बढ़ना जो है ना, वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टर्म है, ठीक है ना। दिस टर्म ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टर्म कौन दिया था? दिस टर्म वाज क्वाइंड बाई हार्बर एस्पेंसर, हार्बर एस्पेंसर ने यह टर्म दिया था, है ना, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन डिफाइंड इट एज डिसेंट, देखिएगा ये एन है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट का मतलब, डिसेंट का मतलब हो गया जैसे हम एंसेस्टर हैं तो मेरे बच्चे डिसेंट हो जाएंगे, उनके बच्चे डिसेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग के पेरेंट्स आपके एंसेस्टर हैं तो आप उनके डिसेंट हो गए, आपके बच्चे फिर आप पेरेंट हो जाएगा तो वो डिसेंट हो जाएंगे, है ना। तो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोगों को देखना है, है ना, कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन ये स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस लगातार होता ही रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना, स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, और
एक और है बट, बता रहे हैं इसको बट, अकॉर्डिंग टू ह्यूज एवरेज, ह्यूज एवरेज के अनुसार है ना, इवोल्यूशन इज ये सडन डिसकंटिन्यूअस है ना, एराइज बाय म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन के कारण होता है। स्लो प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये इवोल्यूशन है ना, ये स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, और ठीक है ना, इवोल्यूशन ह्यूज एवरेज के अनुसार सडन अचानक, सडन प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस है ना, और एराइज बाय म्यूटेशन। आप लोगों को एक बात बताए थे हम है ना, कि हम लोग 10 भाई बहन अगर हैं तो सभी अलग अलग होंगे, सबका फिनोटाइप अलग अलग होगा। तो आप लोग मियोसिस पढ़े थे, उसमें पढ़े थे क्रॉसिंग ओवर, तो ये क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। तो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण हम लोग सब एक दूसरे से, कोई भी संसार में कोई भी मनुष्य एक दूसरे के समान हो ही नहीं सकता है, ट्विंस को छोड़कर, ट्विंस को तो एक ही माना जाता है, ठीक है ना। तो ये डार्विन जो है ना, वो कह रहा है कि ये स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये जो वेरिएशन उत्पन्न होता है किसके कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। ये कह रहा है कि यहाँ पर नहीं, ये अचानक परिवर्तन होता है, हेडेट्री में अचानक परिवर्तन होगा है ना, और इस तरह इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन भी कहा जाता है। ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसमें आगे हम लोगों को ये दोनों थ्योरी सब मिलेगा। फिर है ये रहा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की कुछ बात है ना। अब कुछ टर्म्स हम लोग को जानना है, क्योंकि यही टर्म आगे मिलता जाएगा, टर्मिनोलॉजी है ना, उसको जानना जरूरी है। पहला है स्टार, ये कैसे ओरिजिनेट किया है, तो बहुत लंबी कहानी है, खैर देखेंगे हम लोग, जहाँ तक होगा हम जाएंगे ही है ना। लुमिनस बॉडी, लुमिनस बॉडी, लुमिनस का मतलब होता है जो रे अपने आप निकलता रहता है, लुमिनस बॉडी डैट इमिट्स, जो बाहर निकलता है लाइट एंड हीट, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, ये स्टार है। दूसरा टर्म हम लोगों को यहाँ पर याद करना है, गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स,
अगर स्टार्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को आगे देखना है ना, स्टीलर सिस्टम है ना, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, या स्टार रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशन, के कारण ये गैलेक्सी या स्टार्स जो एक दूसरे के इर्द गिर्द नाचते रहते हैं उसको हम लोग स्टीलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। अब सोलर सिस्टम, ठीक है ना, ये बना होता है मेड अप ऑफ है ना, सन मून प्लैनेट्स नौ प्लैनेट्स आप लोग को मालूम है, प्लस एस्टेरॉयड्स मतलब स्मॉल स्टार्स, प्लस मेट्रोइड्स उल्का पिंड, का ये बना होता है सोलर सिस्टम जिसमें सन भी आता है ना। और अब यूनिवर्स होल वर्ल्ड पूरी दुनिया को ही खोते हैं, मेड अप ऑफ क्या क्या है इसमें, स्टीलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है ना, ठीक है, एनीथिंग इन द स्पेस, इस स्पेस में जो कुछ भी पाया जाता है सब यूनिवर्स में आता है, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मांड में सब कुछ शामिल है जो यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है ना यूनिवर्स के बारे में, पहले हम लोग यूनिवर्स के बारे में देखेंगे है ना, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, और तब फिर सोलर सिस्टम, इतना ही से हम लोगों का काम चल जाएगा है ना। हम लोग स्टीलर सिस्टम में जनरली नहीं जाना चाहेंगे है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा है ना। अब हम बढ़ रहे हैं यूनिवर्स क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग तब मालूम होगा कि हम लोगों की उत्पत्ति, धरती की उत्पत्ति पहले पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ, तब ना मालूम होगा कि उस पर जीव कैसे आए, बिना उसके नहीं हो पाएगा, ठीक है।
चलिए अब यूनिवर्स के बारे में देखा जाए। है ना, इसकी ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इस संबंध में है ना, बिग बैंग थ्योरी। बाय एम ए लेमेटियर, ये लेमेटियर ने दिया था। बिग का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं बड़ा, बैंग का मतलब एक्सप्लोजन, विस्फोट, बड़ा विस्फोट। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इसका बिग बैंग थ्योरी, है ना। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बिग बैंग आता है आप लोगों को क्या क्या है ये। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉस्मिक मैटर है ना, कॉस्मिक मैटर आकाशीय, है ना, जो आकाश में है मैटर, आर इन वेरी कंडेंस्ड फॉर्म, काफी घना था वो, कंडेंस्ड फॉर्म इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत कम जगह पर, है ना। ये हो गया बहुत कम जगह, और इसी में बहुत सारा कॉस्मिक मैटर्स इसमें थे, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा एक्सप्लोजन विस्फोट टेक्स प्लेस, और इस तरह विस्फोट हुआ, इसको कहा जाता है अनइमेजिबल, आप उसकी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा धमाका था ये, है ना। एंड मैटर फ्रेगमेंटेड, टूट गए सब, है ना, क्या हो गए, ये जो मैटर था सब टूट कर, है ना, टूट गए, है ना। फ्रेगमेंटेड यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और ये यूनिवर्स जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू कर दिया, मतलब एक्सपेंड होना शुरू कर दिया, फैलना शुरू कर, ये जो मैटर थे ना टुकड़ा टुकड़ा में बट गए पूरा स्पेस में, है ना। एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस अनइमेजिबल, है ना, एंड मैटर फ्रेगमेंटेड इन द स्पेस, और इस स्पेस में वो पूरी तरह फ्रेगमेंट होकर टुकड़ा टुकड़ा में बट गए, और इस तरह एक छोटी चीज से, है ना, ये एक्सपेंड हुआ, है ना, और इस तरह ये देखिए धीरे धीरे ये बड़ा हुआ, है ना, और इस तरह टुकड़ा टुकड़ा में बट गया। ये फिगर यहाँ सूट नहीं करेगा, फ्रेगमेंट कैसे बनाएंगे हम लोग,
कहीं कन्फ्यूजन कहीं मत रखो, हर बात को बहुत क्लियर समझो, तब कॉन्सेप्ट बनेगा, तब कोई काम हो सकता है, ठीक है ना। द एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस अनइमेजिबल, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, एंड मैटर फ्रेगमेंटेड इन द स्पेस, यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हेंस कॉल्ड, हेंस कॉल्ड। एक्सपेंडिंग थ्योरी, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिंग थ्योरी भी कहा जाता है, फैलने वाला थ्योरी, है ना। लेटर ऑन, बाद में, हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना, ये दोनों गैस है, आर फॉर्म्ड, बाद में ये गैस बन गया, है ना, एंड स्टार्स केम इनटू ओरिजिन, और इसी से स्टार की उत्पत्ति हो गई। लेटर ऑन हाइड्रोजन हीलियम आर फॉर्म्ड एंड स्टार्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, लिख देते तो और अच्छा रहता, केम इनटू ओरिजिन, और इस तरह उसकी उत्पत्ति है ना हाइड्रोजन और हीलियम से हो गई, ठीक है ना। ये है, अगर ये आता है ना बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, बहुत ये यहाँ इसके बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसका, है ना, कि यहीं पर लिख देते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ट्वेंटी बी ईयर्स एगो, ये पर दो टर्म मिलेगा यहाँ पर, है ना, BYA, बिलियन बिलियन ईयर्स एगो, है ना, और एक मिलेगा MYA, M का हो जाएगा यहाँ मिलियन, मिलियंस ईयर्स एगो, तो यहाँ पर बिलियन ईयर है ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है ना उसकी उत्पत्ति जो है ना 20 बिलियन ईयर्स एगो है ना, और ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम ये याद रखना पड़ेगा 4.5 BYA, बिलियन ईयर्स एगो, है ना, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हो गया। और ये क्वेश्चन भी है कि अर्थ की ओरिजिन कब होगी, वो भी वही है, क्योंकि अर्थ उसी के साथ बना था,
अब इस पर जीव कब आया था, हम लोग जीव पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। अर्थ की ओरिजिन भी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक से देखिएगा इसे, है ना। अब ये ओरिजिन हुई कैसे, तो देखो ब्रह्मांड तो बन चुका है, ठीक है ना, और उसमें डस्ट और क्लाउड्स ऑफ डस्ट, एकदम घना डस्ट है। हम लोग नहीं थे तब की बात है, ये इस धरती पर कुछ नहीं था, धरती था ही नहीं, अभी तो ब्रह्मांड बना था, स्टार वगैरह बन गए थे, प्लैनेट्स तो बना ही नहीं था, ठीक है ना। तो जब कुछ नहीं था ना, तब क्या था, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज, सिर्फ ये ब्रह्मांड भरा हुआ था डस्ट और गैसेज से, ठीक है ना, क्लाउड डस्ट से कंडेंस्ड, ये कंडेंस्ड हो गए, एक दूसरे के नजदीक आए और क्या हुआ, ये कंडेंस्ड हो गए, कंडेंस्ड टू फॉर्म ए बिग मास, और बहुत बड़ा एक मास का फॉर्मेशन इसने कर दिया। ये कंडेंसेशन क्या हुआ, कंडेंसेशन इज ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के कारण और म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के पास आए और बहुत बड़ा एक मास बना लिया, है ना। अब देखो इन द कोर, कोर मतलब सेंटर ऑफ मास, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कंटिन्यूड, वो तो कंटिन्यू रहा, भीतर कंडेंसेशन हो ही रहा था, अब है ना, है ना, एंड ए लार्ज प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेवलप्ड, कह रहे हैं कि जो क्लाउड और डस्ट और गैस जो एक साथ आए, बहुत बड़ा मास बना लिए, सेंटर वाला पोर्शन में अभी भी कंडेंसेशन कंटिन्यू था, जिसके कारण इतना ना प्रेशर भीतर बना और टेम्परेचर उसका बहुत हाई हो गया, ठीक है ना। तो इन द कोर ऑफ मास कंडेंसेशन कंटिन्यूड एंड लार्ज प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेवलप्ड, है ना। दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर भीतर डेवलप किया, दिस टेम्परेचर, है ना, कॉजेज या कॉस्ट थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, और उसके कारण जो है ना, अब थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया भीतर, ठीक है ना, समझ आया। दिस वाज, इसी को तो सन है, आज भी कंडेंसेशन चालू है उसमें और आज भी थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन हो ही रहा है, वही ना हम लोग को लाइट मिल रहा है। जिस दिन थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन खत्म हो जाएगा, कहा जाता है ना, साइंटिस्ट सब कह रहा है कि हो सकता है कभी पूरा मतलब ब्रह्मांड ही अंधेरा हो जाए, ठीक है ना। तो इसको ठीक से देखिए, तो जब कुछ नहीं था, खाली एक उधर स्टार वगैरह तो कुछ बन गया था,
वो तो बहुत पहले बन गया था, है ना, वो तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस के कारण बना था। धरती पर कुछ धरती था ही नहीं, क्लाउड ऑफ डस्ट से पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ था, वो सब एक साथ आए, है ना, बहुत बड़ा मास बना लिया। अब क्लाउड और डस्ट जो है ना वो भीतर जो सेंटर में जो है ना इतना नज़दीक हो गए, इतना ना फी हो गया, उसमें प्रेशर हो गया कि एक दूसरे से रिएक्शन करके थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चालू कर दिए, और उसी वही तो सन है। अब किनारे वाला पार्ट जो है ना उसमें उतना प्रेशर टेम्परेचर नहीं था, वो टूट कर उससे अलग हो गए, है ना। अब यहाँ लिख रहे हैं हम पेरीफेरल पार्ट सेपरेटेड, वो सेपरेट हो गए फ्रॉम सेंट्रल पार्ट एंड formed planets, और उसी से तो planets की उत्पत्ति हुई जो नौ तरह के हैं, जो सूरज के इर्द गिर्द जो है ना वो चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें एक धरती भी है ना। क्लाउड और डस्ट जो है ना वो कंडेंस किया, बहुत बड़ा मास बना लिया, सेंटर में इतना प्रेशर हाई टेम्परेचर हो गया, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चालू हो गया, जो आज तक सूरज में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चालू ही है ना। किनारे वाला पार्ट में उतना टेम्परेचर नहीं था, उतना प्रेशर नहीं था, तो क्या हो गया, वो जो है ना टूट कर उससे अलग हुआ, वही प्लैनेट्स बन गए, इसमें एक धरती भी। यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा, है ना। अब हमको लोगों को ज़रूरत है, चूँकि धरती पर हम लोगों को पढ़ना, ये सब की क्या ज़रूरत है हम लोगों को, है ना, हम लोगों को ज़रूरत है कि धरती पर जीव कैसे आए, है ना। तो धरती के बारे में हम लोगों को अब तो समझ में आ गया, धरती किस तरह बनी, सिर्फ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड पार्टिकल्स, है ना। अब हम लोग देखें यहाँ पर ये BYA और MYA दोनों याद रखिएगा, ये हर जगह मिलेगा, है ना, जब तक हम लोग ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ते रहेंगे। अब हम लोग अर्थ पर आएं, तो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि तो अर्थ जो बना था तो काफ़ी टेम्परेचर हाई होगा इसका, है ना, सेंटर में तो इतना ना हाई हो गया कि आज तक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चालू है, ये सब टूट कर भागे वहाँ से, तो इन ये भी तो इनमें भी तो टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है ना। तो इसको देखा जाए, यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रिमिटिव अर्थ, जो अर्थ पहले बना उसमें क्या था, है ना, इट वॉज इन मोल्टन स्टेट, ये पिघला हुआ स्टेट में था, क्या था ये, इट वॉज रिड्यूसिंग का मतलब नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूसिंग स्टेज में था, है ना, और हाई टेम्परेचर, और काफी टेम्परेचर इसका हाई था। इट वॉज इन रिड्यूसिंग, इट वॉज रिड्यूसिंग, ठीक है, नो ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर था। यहाँ तक समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए
नो एटमोसफेयर, और जो हम लोग जिसमें सांस ले रहे हैं एटमोसफेयर भी नहीं था, है ना। अब देखो एनसीईआरटी कुछ अलग लिख रहा है ना, दोनों हम लिख देते हैं यहाँ पर। नो गैसेज, कोई गैसेज नहीं था, है ना। अब अर्थ इमिट्स रिलीजेज, रिलीज्ड अर्थ जो है ना वो रिलीज किया CO2 NH3 CH4 वाटर वेपर। ये बना कैसे ही एनसीईआरटी नहीं बता रहा है। ये कह रहा है कि इतना सब धरती द्वारा रिलीज किया गया, एक्चुअली जो है ना हम यहाँ लिख देते हैं ना, एलिमेंट्स सिर्फ थे, एलिमेंट्स का मतलब कार्बन था, नाइट्रोजन था, ठीक है ना, और ऑक्सीजन था, एलिमेंटल फॉर्म में थे सब, है ना। और ये देखो रिएक्शन किए, हाइड्रोजन था, ठीक है ना। अब देखो ये रिएक्शन, इस सब के रिएक्शन से क्या क्या बना, देखो ना, CO CO2 H2O NH3 CH4 और ये ना सब बन गया, CO2 बन गया, NH3 बन गया, है ना, CH4 बन गया, और ये तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये बन गए सब, सब एलिमेंटल फॉर्म में थे जब रिलीज हुए ना, तब एक दूसरे से रिएक्शन करके ये सब कंपाउंड बना, ठीक है ना। और देखो वाटर वेपर, वाटर है ना, ये स्प्लिटेड बाय यूवी रेज, अब सूरज की रोशनी तो पड़ रही है, यूवी रेज इसको तोड़ दिया, है ना। और टूटा तो क्या बना ये वाटर वेपर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना लिया। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है ना, वो क्या किया कि ऑक्सीजन और एलिमेंटल ऑक्सीजन, ये है ना नेसेंट ऑक्सीजन, ये मिलाकर क्या बन गया, ओजोन। देखो अब रहने के लिए हम लोगों को जगह बन रही है, ओजोन बन गया, और यही ओजोन जो है ना कुछ दूरी पर जाकर पूरा एक लेयर बना लिया, नहीं समझ में। यहाँ से कह रहे हैं कि प्रिमिटिव अर्थ जो है ना वो तो पिघली हुई हालत में था, कोई ऑक्सीजन नहीं था, हाई टेम्परेचर था, कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, नो गैसेज, लेकिन धीरे धीरे जब वो ठंडा होना शुरू हुआ तो ये गैसेज निकलना शुरू, अभी भी ठंडा हो ही रहा है। कहीं कहीं आप लोग सुनते हैं कि ज्वालामुखी फट गया है, ज्वालामुखी क्या है, भीतर इतना ना गर्म है कि वह बाहर ठंडा है, तो वो टेम्परेचर हाई होने के कारण वो बाहर निकलता है, और वही देखिएगा लावा के रूप में बाहर निकलता है और गर्मी निकलती है, उससे हीट निकलता है। तो अभी भी धरती ठंडी हो ही रही है, ठीक है ना। तो ये जो है ना वाटर वेपर, ये कोई गैस नहीं था ना,
अब धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ तो ये सब गैस निकला हुआ। ये गैस बना कैसे, तो अपने में ये सब प्रतिक्रिया सब एलिमेंट्स के रूप में थे, और वाटर वेपर टूटने पर हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन जो है ना नेसेंट पर ओजोन बना लिया, और ओजोन जाकर ऊपर एक लेयर बना लिया कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना सब धरती तक नहीं पहुंच पाता है। आज भी हम लोगों के लिए ये काफ़ी फायदा है इससे, और नहीं तो सबको स्किन कैंसर तो ज़रूर हो जाता है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे इकोलॉजी में पढ़ना है वो सब है ना। तो ओजोन लेयर बना लिया, और इसके बाद जो है ना एक चीज़ और देखनी है हम लोगों को, वो बाद में भी मिलेगी, यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो पानी बना ना, तो पानी तो टूटा ठीक है ना, लेकिन सब पानी थोड़े टूटा ठीक है ना। तो जब धरती ठंडा होना शुरू हो गया, तो जिस तरह आज आप लोग देखते हैं कि भाप जो है ना वो वायुमंडल में है, तो जैसे ही ठंडी हवा मिलेगी वो तुरंत धरती पर पानी के रूप में पहुंच जाएगा ठीक है ना, रेन शुरू हो जाएगी। तो प्लांट दुनिया भर का भाप बनाकर ऊपर भेजता रहता है, या ये समुंदर के पानी से या कहीं से भाप ऊपर जाता है, और वही भाप जो है ना फिर धरती पर पानी के रूप में रेन के रूप में पहुंच जाता है। ठीक वही बात यहाँ भी, जब वो भाप जो है ना ये वाटर वेपर, ये वाटर ही है ना, और फेल गिरा ऑन द अर्थ, इन ह्यूज अमाउंट, देखिए कहीं कहीं बड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में धरती पर क्या बना, पानी पहुंचा ठीक है ना। अब एक और बात सुन लीजिए, धरती को तो खुद कोई बनाया नहीं, वो डस्ट पार्टिकल या गैस सब था फ्यूज किया उसको, आप समझिए कि कोई लड्डू की तरह कोई गोला हाथ से थोड़े बनाया है, तो कहीं उसमें गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, नहीं समझ में आ रही है ना। कह रहे हैं कि ये तो डस्ट पार्टिकल है सब, वही ना रॉक में कन्वर्ट कर गया है ठीक है ना। तो धरती क्या है, रॉक्स, वेदर्ड रॉक्स, टूटा हुआ रॉक कहा जाता है। हमको यहाँ यही कहना है कि धरती जो है ना वो एकदम चपटा तो है, लेकिन कहीं ऊंचा है, कहीं हिमालय पहाड़ देख रहे हैं, कहीं कहीं समुंदर देख रहे हैं ठीक है ना। तो कहीं ऊंचा है, कहीं हाई लैंड है, या कहीं लो लैंड है उसका। तो ये जो पानी गिरा ना, तो पानी जिस रास्ते से गया, हाई लैंड से पानी, तो पानी तो अपना लेवल खोजेगा, तो जिस रास्ते से गया वो ही ना नदी बन गया, और लो लैंड में गया समुद्र बन गया ठीक है ना। तो जितना नदी नाला है ना सब हाई लैंड से पानी बहते हुए लो लैंड में पहुंचा, वो सी लैंड ठीक है ना, फेल ऑन अर्थ ना, एंड लो लैंड ऑफ अर्थ फील्ड विथ वाटर, और ये वाटर से भर गया, जिस रास्ते से गया वही नदी है ठीक है ना। सभी नदी जाकर सब पानी कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग पानी समुद्र में पहुँचा दिए, अब वहाँ पर समुद्र में ही लाइफ की उत्पत्ति होगी, कैसे होगी वही पढ़ना है ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब ओरिजिन ऑफ लाइफ। धरती बन गया, धरती बिल्कुल ठंडा हो चुका है, पानी पड़ गया ऊपर से, पानी सब बह के समुंदर बना लिया ठीक है ना, समुंदर में भर गया। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर गैस भी आ गया बहुत सारा, वायुमंडल बन चुका है, एटमोसफेयर तैयार हो गया है। अब इस एटमोसफेयर में लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई वो हम लोग अगला चैप्टर में देखेंगे ठीक है।
इसको ठीक से आप लोग उतार लीजिए, पढ़िए, फिर कल हम दूसरा वीडियो देंगे इसके लिए, है ना।